नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ फोर्सेज टू बी सी सी ए एंड बी ए एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी शो दैट देयर रिजल्टेंट इज 6D वेयर डी बाइसेक्ट बी सी एंड ई इज अ पॉइंट ऑन सी ए सच दैट सी ई इज इक्वल टू 1/3 सी ए। तो क्या कहता है, कहता है कि हमारे पास तीन फोर्सेज हैं टू बी सी सी ए और बी ए, वो एक ट्राइंगल की साइड के अलोंग एक्ट करती हैं। किस तरह एक्ट करती हैं, शो दैट देयर रिजल्टेंट इज 6D और उनका जो रिजल्टेंट है 6D है, वेयर डी इज बाइसेक्ट, और जो डी है वो क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है बी सी को। इस तरह एक्ट करती हैं फोर्सेज की, वो जो रिजल्ट है वो हमारे पास जो 6D है रिजल्टेंट उसका, वो जो डी पॉइंट है वो बी सी को बाइसेक्ट करता है, और ई जो है वो एक ऐसा पॉइंट है, किस तरह का पॉइंट है, सी इज इक्वल टू 1/3 सी ए है। ये इस तरह करके पोजिशन बनी हुई है। तो देखिए हम इसकी फिगर ड्रा करते हैं, तो हमने सामने आपका एक ट्राइंगल ड्रा कर दिया ए पी सी, ये एक ट्राइंगल ड्रा कर दिया। ट्राइंगल की हमारे पास तीन वेक्टर हैं, कौन कौन से वेक्टर हैं, टू बी सी, बी से सी की तरफ, ये पहला पूरा टू बी सी है, ये पूरे का पूरा टू बी सी, सी ए सी से ए की तरफ एक वेक्टर है, और अगला वेक्टर बी से ए की तरफ, वेक्टर बी से ए की तरफ है हमारे पास। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास वो क्या कहता था कि जो डी है वो बाइसेक्ट करता है बी सी को। ये देखिए हमने एक पॉइंट ले लिया है डी जो बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, और ए को हमने डी से सीधा मिला दिया है। ठीक हो गया। और सी क्या, और ई हमारे पास क्या, सब ई इज़ अ पॉइंट ऑन सी ए, और ई जो था वो सी ए के ऊपर पॉइंट था, ये सी ए है, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट ई ले लिया और डी को ई से मिला दिया। ये देखिए हमने दोबारा सुन लें, हमने बी सी के ऊपर एक पॉइंट लिया डी, क्यों, क्योंकि उसने कहा हुआ था वेयर डी बाइसेक्ट बी सी, वो बी सी को बाइसेक्ट करता है, बी सी क्या है, टू बी सी है, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है वो कितनी है, टू बी सी है, और ये वाला जो पॉइंट है डी वो बी सी को बाइसेक्ट करता है, तो बी सी के सेंटर में आएगा। ये देखें बी सी की मैंने सेंटर में लगा दिया, मीन बी सी आधा इधर है और बी सी आधा इधर है, दोनों तरफ आधा आधा बी सी चला गया हमारा। ये बात तो हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट ई जो था वो किधर था, वो पॉइंट है सी ए के ऊपर, ये है सी, ये सी ई के ऊपर एक पॉइंट ई है, अब ये मिड में नहीं है, वो इस तरह कर गया 1/C इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सी ए, जो ई पॉइंट है वो सी ए का 1/3 है, मीन अगर इस पॉइंट की इस लेंथ, इस साइड की टोटल लेंथ 3 है, तो एक हिस्से के बाद हमारे पास ई है, दो हिस्से वो लेंथ आगे पड़ी हुई है। इस तरह करके वो इस तरह करके पॉइंट ई लिया गया। देखें जी, लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज, देन वेक्टर आर किसकी इक्वल होगा, तीनों जो फोर्सेज हैं हमारे पास, तीन फोर्सेज हमारे पास नज़र आ रही हैं ना, कौन कौन सी फोर्स, बी सी सी ए और बी ए, उनका जो रिजल्टेंट है वो बी सी सी ए प्लस बी ए, तीनों फोर्सेज को मैंने ऐड कर दिया। जब भी तीन फोर्सेज एक्ट करती हैं तो उनका कोई ना कोई रिजल्टेंट तो होता ही है ना, तो इनका एक रिजल्टेंट आर बन जाएगा, टू बी सी माइनस सी ए को ए सी लिख दिया तो माइनस होगा, बी ए को ए बी लिख दिया तो ये भी माइनस हो गया, हमने इनमें से माइनस कामन ले लिया, तो आर इज इक्वल टू 2BC माइनस ए सी प्लस ए बी हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। नेक्स्ट, बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, अब मैं लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करने लगा हूँ, ए सी प्लस ए बी, ये देखें ए सी किधर है, आपको ए सी नज़र आ रहा है, ये वाला ए सी प्लस ए बी, ए से सी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा रिजल्टेंट, ए से सी की तरफ और ए से बी की तरफ, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, ए डी रिजल्टेंट बनेगा लैम्डा म्यू थ्योरम से। ए बी रिजल्टेंट बनाया तो हमारे पास इसका जो कोएफिशिएंट है वो इसके साथ आके लगेगा, इसका जो कोएफिशिएंट है वो इसके साथ आके लगेगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है वो भी इधर आके लगेगा, इसका कोएफिशिएंट है वो भी इधर आके लगेगा, दोनों के कोएफिशिएंट आ गए, इसका कोएफिशिएंट भी 1, इसका कोएफिशिएंट भी इधर आके 1 और इसका कोएफिशिएंट इधर आके 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 1+1AD। ये देखिए हमने लिख दिया 1+1AD विच इज इक्वल टू 2AD विच इज़ इक्वल टू 2AD, और ये हमारे पास क्या बन गया, 2AD बन गया हमारे पास, ये विच इज़ इक्वल टू 2AD, ये हमारे पास क्या बन गया 2AD। यूजिंग वैल्यू ऑफ
ए सी प्लस ए बी इन इक्वेशन नंबर वन, ये ए सी प्लस ए बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टू बी सी माइनस टू ए डी इसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे। तो आर क्या बन जाएगा, टू कॉमन ले लिया हमने, बी सी ये वाला माइनस ये वाला ए डी, माइनस ए डी आ गया, ठीक हो गया, टू डी सी टू बी सी माइनस ए डी, ठीक हो गया। अब जो बी सी है, बी सी ये वाला देखें, ये बी सी, ये जो बी सी है ये वाला, ये तो बाइसेक्ट नहीं किया हुआ था, डी ने, डी ने बाइसेक्ट किया हुआ था, इसका मतलब आधा इधर है और आधा इधर है, तो इसका मतलब है ये जो डी सी है, दो डी सी मिलाएं तो एक बी सी बन जाता है, ऐसा ही है ना, लेकिन डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा, आधा इधर है और आधा इधर है। अगर मैं ये डी सी जो है डी से लेकर सी तक इसको डबल करूं तो ये बी सी बन जाएगा, तो इसका मतलब है जो बी सी होगा वो किसके इक्वल होगा, टू डी सी के डबल के इक्वल होगा। तो बी सी की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, ये वाली, ये बी सी, ये वाला बी सी था ना यहाँ पे, उस बी सी की जगह टू डी सी मैंने ये पुट कर दिया, माइनस ए डी, तो ये हमारे पास बन जाएगा टू इंटू टू डी सी, और ए डी को मैंने डी ए कर दिया तो प्लस डी ए हो गया हमारे पास, टू डी सी प्लस डी ए, ठीक हो गया। अगेन बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, लैम्डा म्यू थ्योरम से डी सी प्लस डी ए, इसको आप इक्वेशन नंबर टू कहते, लैम्डा म्यू थ्योरम से डी सी प्लस डी ए, ये फोर्स एक पॉइंट से फोर्स डी से सी की तरफ जा रही है, फोर्स डी से ए की तरफ जा रही है, उनका रिजल्टेंट डी ई बन जाएगा। तो ये देख, ये आपको नजर आ रही है फोर्स, ये वाली, ये वाली। और लैम्डा म्यू थ्योरम क्या कहता था कि जो कोएफिशिएंट इस फोर्स का होता है वो उधर जाके लगता है, और जो कोएफिशिएंट इस फोर्स का होगा वो इधर जाके लगेगा। इसका मतलब है वो वाली लेंथ तो टू है और ये वाली लेंथ तो वन है, तो वो वाला टू इधर आके लगेगा इस जगह पे, और ये वाला जो वन है ये इसका कोएफिशिएंट बनेगा ए डी का, ये वाले का, ठीक हो गया, ये वाला, आई समझ के नहीं, दोबारा सुन लें, लैम्डा म्यू थ्योरम क्या कहता है कि जो ये वाली फोर्स है ना, ये वाली फोर्स है डी से सी की तरफ ये, और डी से ए की तरफ अगर आप एक फोर्स लें तो उनका रिजल्टेंट डी ई हो जाएगा। तो जो ये वाला कोएफिशिएंट होता है उधर जाके लगता है, और जो इसका कोएफिशिएंट होता है ना वो इधर आके लगता है, इधर इधर आके लगता है, ठीक हो गया। तो अब हमें पता है कि ये वाली लेंथ तो वन और ये वाली लेंथ तो टू, इसका मतलब ये वाला टू जो है ये इधर से लिया गया और ये वाला जो वन है वो इस डी ए से लिया गया, तो वही वाला मैं करने लगा हूँ। ये देखिए टू डी सी प्लस वन डी ए, वही वाला मैंने किया है, ये टू डी सी, ये टू और ये डी सी, इधर से ये टू आया उधर से डी सी आया, प्लस प्लस हमने क्या करना है, इधर से ये वन आया और इधर से ये डी ए आया, वन डी ए आ गया, इज इक्वल टू इसका टू और इसका वन, टू प्लस लैम्डा प्लस म्यू, टू प्लस वन डी ई, अगेन लैम्डा म्यू थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल टू थ्री डी ई। तो हमने दोबारा इसकी वैल्यू पुट कर देनी क्वेश्चन नंबर टू में, टू डी सी प्लस डी ए, ये टू डी सी प्लस डी ए की जगह थ्री डी ई यहाँ पे पुट कर दें, तो इस दूंगी सॉल्यूशन इक्वल टू, वी गेट आर इज इक्वल टू थ्री टू टाइम सिक्स डी, और यही हमें रिक्वायर्ड था, यही हमने प्रूव करना था कि जो हमारे पास आर है वो किसकी इक्वल आ जाता है, सिक्स डी ई के इक्वल आ जाता है।